अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल पहला टेस्ट खेलना है श्रीलंका के खिलाफ, और शाहीन शाह अफरीदी इसी ग्राउंड पे दो साल पहले इंजर्ड हुए थे और आज उनका कमबैक है इसी ग्राउंड में। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इस सीरीज में अगर किसी को एक्साइटमेंट हूँ देखने के लिए तो शाहीन अफरीदी के लिए हूँ, क्योंकि देखिए इसी ग्राउंड में एशिया कप होने वाला है तो पता चल जाएगा कि हमारे बॉलर्स किसकी बॉलिंग कराने वाले हैं और हमारे बैट्समैन, सात बैट्समैन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होंगे और एशिया कप स्क्वाड में भी होंगे। तो इंपॉर्टेंट सीरीज थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो है ही है, लेकिन एज अ वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी के लिए भी बड़ी भरपूर सीरीज है। ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स हैं, तो अगर 7-8 प्लेयर मेन परफॉर्म कर गए इस सीरीज में तो वर्ल्ड कप के लिए उनका टिकट कटी कट सकती है। तो ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको इतना लाइटली लेना चाहिए। और प्लस इसकी इंपॉर्टेंस तो अपनी है ही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो हमारे अवे जो तीन सीरीज उसमें पहली सीरीज ये है और श्रीलंका के अगेंस्ट है, तो हमें ये चाहिए कि 2-0 से इनको हराएं, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसका। 12-13 टोटल टेस्ट मैच खेलने हैं पाकिस्तान ने इन दो सालों में, और हर मैच अवे जो दूसरा जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का भी टूर है, तो ये अवे जो टूर है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जी। और पाकिस्तान के अपने जो टूर है वो भी डिजास्टर होते हैं, बरहाल मैच पे आते हैं। श्रीलंका की टीम इस पर बहुत कमजोर है, अगर पाकिस्तान इस बार भी हारती है तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात होगी और फिर पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना लगाई जाएगी टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ अच्छा करेंगे। देखें, एक भी बड़ा नाम नहीं है, दिनेश चंदीमाल हैं, एंजुन मैथ्यूज हैं, ये आपकी टोटल बैट्समैन हैं उनके पास श्रीलंका के पास। अगर इन दोनों को अपने आउट कर दिया तो आप ऐसी मैच में जरा पकड़ बना लेंगे। लेकिन एशिया कप का फाइनल T20 वर्ल्ड का जो एशिया कप में होता वो भी भूले नहीं उसको, क्योंकि वो उसमें भी कोई बड़े नाम नहीं थे श्रीलंका के, परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तो परफॉर्मेंस बड़ी बड़ी दे जाते हैं। और इमर्जिंग टीम है, अच्छा खेल रही है, और रिसेंटली इन्होंने जो खेला है अपना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जो क्वालिफायर उन्होंने खेले बड़ा डोमिनेट किया दूसरी टीम। चलो वैसे भी बाबर आजम के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का फर्क है नंबर वन पोजीशन से, और अगर इनकी 4 में से 2 से 3 इनिंग्स अच्छी लग गई बाबर आजम की तो नंबर वन पोजीशन में भी आ सकती हैं ये। लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और एक बड़ी बाड़ी खेलनी पड़ेगी, अगर किसी इनिंग में 200 रन भी अगर आ गए इनके, जो कि पॉसिबल है, तो बाबर आजम है वो फर्स्ट टाइम जो है नंबर वन रैंकिंग टेस्ट में भी हासिल कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा जबरदस्त फैक्ट है। तो काफी है जो सीरीज की इंपॉर्टेंस है उसमें ये भी चीज आप, लेकिन देखना होगा कि जो हमारे दूसरे एशेज चल रही है जहाँ पर, वहां पर वो प्लेयर्स जैसे स्मिथ हो गए या फिर लबोशन हो गए वो अच्छा परफॉर्म ना करें, वो फेल हो जाए और बाबर आजम चल जाए। चले बाबर आजम तो अभी नहीं है, तो 1 माह बाद 2 माह बाद ऊपर आ ही जाएंगे, लेकिन मेन चीज है कि टीम परफॉर्मेंस कैसी करती है। ये टीम जो बिल्डअप करेगी इसके बाद एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप है, टेस्ट सीरीज के बाद हमारे पास वनडे क्रिकेट स्टार्ट होनी है। और अब्दुल्ला शफीक ने अगर टीम में जगह बनाई जिसका नाम आ रहा है एज ए ओपनर, वो थर्ड ओपनर जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। उसके अलावा हमारे फास्ट बॉलर को वहाँ की कंडीशन जो है वो उस पर अडेप्ट करना है और उसको देखते हैं कैसे उसको करेंगे। और अबरार अहमद जो हमारा स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर, जिस तरह उनके पास हथरंगा है तो हमारे पास अबरार अहमद है और उन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक और बड़ा फैक्ट ये है कि वैसल भाई हसन अली को पहला टेस्ट मैच खिलाया जाने का इम्कान है, और अगर हसन अली ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ना सिर्फ अगला टेस्ट मैच खेलेंगे बल्कि उनका नाम आ जाएगा एशिया कप और वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी, तो हसन अली का कम बैक भी हो सकता है। और बड़े टूर्नामेंट में हसन अली जो है उनके पास एक्सपीरियंस भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जिताई हुई है, तो हसन अली को भी देखना होगा हमें इस टेस्ट मैच में वो कैसी बॉलिंग करवाते हैं। और इस टेस्ट मैच में एक और बड़ा टेस्ट होने वाला है बॉलिंग का पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा अच्छी बॉलिंग करवाता है स्टार्ट में, लेकिन इन दी एंड जो है वो 4-5 आउट करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और जब आपके इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई सीरीज होती है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाती है इमरान, आपको पता है एशिया कप जिसमें हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं और बड़े हाई लेवल की इंटेंसिटी वाली गेम्स होंगी वहां पर, तो उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये सीरीज दो टेस्ट मैचों की कहने को है श्रीलंका के गेंद, लेकिन इसकी नजरें जो है ना इस पे जो नजरें होंगी वो पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम की होगी, मैनेजमेंट की होंगी, परफॉर्मेंसेस मैटर करेंगी इस सीरीज में, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका आगे वर्ल्ड कप खेलने का चांस है, तो ये लाइटली कोई भी नहीं ले रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए वैसे भाई थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात भी बताता चलूं आपको कि कल से लेकर अगले 5 दिन जो गाल में टेस्ट मैच होने वाला है पहला टेस्ट मैच, उसमें 70% चांसेस ऑफ रेन है, यानी कि पूरा दिन आपको बारिश ही देखने को मिलेगी, तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड तो श्रीलंका पूरा कवर कर देता है, लेकिन मैचेस हो सकता है आपको शॉर्ट देखने को मिले, और 3 से 4 दिन के मैचेस ही आपको देखने को मिलेंगे, 5वां दिन आप ऐसे स्किप कर दें, 1 दिन आप ऐसे ही आप बारिश की नजर रख दें, हो सकता है आपको ये टेस्ट मैच बारिश की नजर ही पूरा होते हुए नजर आए। पाकिस्तान को रिजल्ट चाहिए इस टेस्ट मैच में, अपने अपने हक में रिजल्ट लेना है, तो फिर फास्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और रिजल्ट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक तो श्रीलंका के गेंस भी होगा, दूसरा हमारा वेदर से भी मुकाबला हो रहा होगा कि ओवर्स किस तरह जो कितने ओवर्स का मैच होता है, तो कम से कम ओवर में अगर मैच जीतना है तो एक अच्छी, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ एक दफा बैटिंग करने का सोचें और 2 दफा श्रीलंका को आउट करना है, इसी तरीके से वैसल भी कि पाकिस्तान के पास आपको बताया कि इस बार श्रीलंका में श्रीलंका को हराने का बेस्ट मौका है, और अगर वेदर की वजह से ये मौका चला जाता है तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, जहां पाकिस्तान ने 100% पॉइंट्स लेने हैं वहां पर अगर एक मैच भी ड्रॉ होता है तो वो सीधा ही 60% पे पॉइंट्स चले जाएंगे, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अवे सीरीज हमारी दूसरी बड़ी मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और तीसरी हमारी अवे सीरीज किसके खिलाफ है, वेस्ट इंडीज जाना है जी, वो चले वो तो सीरीज वेस्ट इंडीज
सॉरी वेस्ट इंडीज ने आना है पाकिस्तान, हमने शायद जाना है बाहर इंग्लैंड जाना, इंग्लैंड जाना। तो ये दो सीरीज हमारी बड़ी मुश्किल होने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के गेम, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो कल से हमारा क्रिकेट सीजन ऑन है और ये फिर ऑन रहना है 3 महीने तक। इसमें अब आपको परफॉर्मेंसेस देखते हैं कैसी होती हैं प्लेयर्स की और कौन सा प्लेयर है जो 15वें जगह बनाने में कामयाब होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।